नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। इस वक्त हमारे साथ लाइव सेशन एक बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं मुजफ्फरपुर वार्ड नंबर 45 से वर्तमान पार्षद शिवशंकर महतो। शिवशंकर जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क में। आपको भी। शिवशंकर जी, कार्यकाल कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा। कितने वर्षों का कार्यकाल रहा? पूर्व में भी रह चुके हैं ना? पहला कार्यकाल था? नहीं, मेरा पहला ही कार्यकाल था जी। तो क्या कुछ समस्याएं थी शिवशंकर जी वार्ड में, जिस पर कार्य किया आपने अपने कार्यकाल के दौरान? बहुत सारी समस्याएं थी जिसको हमने पूरा किया है। जैसे हमारे तो वार्ड में सड़क और नाला का बहुत सारा समस्या था। गली गली जो अभी भी कच्ची था उसको मैंने पक्कीकरण किया है। पानी बनने के लिए सुविधा नहीं थी, उसमें नाला का निर्माण किया है। और जल जमाव बहुत सारा था, जहाँ रोड नहीं था तो वहाँ अपना नगर निगम से नहीं हो पाया तो अपना निजी कोष से भी उसका निर्माण कराकर जल जमाव की समस्या को भी दूर किया जी। शिवशंकर जी, नाला और सड़कों के निर्माण पर आपने जैसा बताया, कितना परसेंट कार्य हुआ और कितना अधूरा रह गया अभी? 80% काम हुआ है, 20% छूट गया है, जिस कारण अभी बहुत सारा अभी काम चल ही रहा है। जो टेंडर हो चुका था, ठेकेदार अभी तक काम कर रहा है। जी जी जी। और आवास योजना की बात करें शिवशंकर जी, उसमें कितने लोगों को लाभ हुआ? मैंने 350 घर पास किया है, जिसमें जी 180 घर को पैसा का भुगतान हुआ है और बहुत सारे को चिट्ठी मिल चुका है, जिसमें अभी फर्स्ट किस्त अभी तक नहीं मिला है। देखा जाए तो 250 घर को मैंने लाभान्वित किया है। बहुत सारी झोपड़ी हमारे वार्ड से खत्म हो गया है, पक्कीकरण हो चुका है उसका। जी जी। अच्छा शिवशंकर जी, आपके यहाँ पर नल जल योजना की क्या स्थिति है? नल जल योजना पे कार्य हुआ या नहीं हुआ? नहीं, हुआ है। 1 करोड़ के करीब का मेरे वार्ड में हुआ है नल जल योजना का, जिसमें बहुत जगह पानी चालू हो गया, कुछ जगह बाकी है। ठेकेदार का कहना है कि जल्दी मतलब उसका भी काम हो जाएगा जी। और शौचालय का कितना निर्माण हुआ होगा शिवशंकर जी? जब हम लोग जीते थे उस समय शौचालय पर ही ज़्यादा काम हुआ था जी। उस समय मोटा मोटी 50-70 घर मैंने शौचालय दिया है। उसके बाद तो फिर आवास का काम स्टार्ट हो गया, जिसमें शौचालय नहीं थे, उसमें जोड़ा गया है, उसमें शौचालय का पैसा उसमें था। तो अधिकतर फिर उसके बाद आवास का ज़्यादा काम करवाए जी जी। और राशन की क्या स्थिति है वार्ड में? लोगों को समुचित सही तरीके से अनाज वगैरह का वितरण हो रहा है? हाँ, जब हम लोग जीत के आए थे उस समय डीलर लोग थोड़ा सा मनमानी कर रहे थे, क्योंकि हम लोग नया थे और जिसके कारण डीलर लोग बहुत सारे डीलर चोरी इसमें कर रहे थे। तो हम लोग उस पर कंप्लेन किया था, उसका सब डीलर पर केस भी किया था जी। और आज भी आयकर विभाग में सब डीलर पर केस किया हुआ है। उसके बाद से फिर ऑनलाइन का ये सिस्टम स्टार्ट हुआ, इसमें भी अभी भी चोरी कर ही रहा है डीलर लोग। अब अंगूठा लगा लिया, उसमें अब जनता को राशन नहीं दिया। तो जो जनता नहीं जान रहा है कि मेरा आवंटन मतलब अंगूठा लगने के बाद खत्म हो जा रहा है, और उसको टरका दे रहा है कि जाओ कल आना परसों आना, ये समस्या आ ही रही है। लेकिन फिर भी हम लोग दबाव डालकर उन लोग को मतलब दिवा रहे हैं। और शिवशंकर जी, आपके यहाँ जी बोलिए, लॉकडाउन में भी बहुत सारे कार्ड बना है हर घर में, मेरे वार्ड में हर घर में एक राशन कार्ड जरूर है। एक या दो परिवार अलग है तो उसका भी कार्ड हम बनवाए जी। शिवशंकर जी, आपके यहाँ स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है? कोरोना एक बार फिर जिस तरीके से बढ़ रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है आपके वार्ड में? कोई मिनी स्वास्थ्य केंद्र वगैरह है या नहीं वार्ड में? नहीं, निजी स्वास्थ्य केंद्र तो नहीं है। लोगों को जागरूक कैसे करते हैं फिर शिवशंकर जी? टीकाकरण तो बहुत सारा लगा है लॉकडाउन के करीब में, जी, और जी। हम लोग भी जागरूक कर रहे हैं, घर घर जाकर भी बता रहे हैं कि अपने आप को स्वच्छ रखना है, कैसे घर को स्वच्छ रखना जी है। जी। हाँ, मतलब अपने हम लोग कर रहे हैं जी जी। और पेंशन क्या, कितने लोगों को लाभ मिल रहा है इस वक्त? पेंशन तो अभी 2-3 महीना से बंद किए हुए हैं सरकार जीवन प्रमाण के कारण। फिर हम लोग अपना सिस्टम बैठा कर सबको जीवन प्रमाण पत्र का भी लोगों को दे रहे हैं, करवा रहे हैं, जिससे उसको आगे पैसा आते रहे जी। शिवशंकर जी, इस वक्त वार्ड में और कोई प्रमुख समस्या जो सामने आ रही हो? प्रमुख समस्या मतलब
अभी बरसात का टाइम है, हो सकता है जल जमाव अधिक आ सकता है। जहाँ ऐसे जल निकासी का उचित प्रबंध है आपके वार्ड में? हाँ, मेरे वार्ड में अभी जैसे कि 3-4 वार्ड का पानी मेरे वार्ड में आता है, वो पानी किसी के निजी ज़मीन में जा रहा है। वो लोग कभी कभी धरना दे देते हैं कि मेरे निजी ज़मीन में ना आए, तो वो नगर आयुक्त को भी या विधायक जी को भी बोले हुए हैं कि इसका निकासी मतलब किसी के सरकारी ज़मीन में जाए पानी, जिसका सार्वजनिक जिसका ज़मीन है, अपना ज़मीन है, उसको बर्बाद ना हो। जी, नालों की उड़ाई वगैरह, नालों की उड़ाई और साफ सफाई का कार्य वगैरह किस तरीके से होता है? कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी तो करते ही हैं। जी, समय से हो जाता है कार्य ये सारा सही तरीके से? लोग अपना लेबर है और अंचल से भी आता है, लोग करता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शिवशंकर जी लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क से बातचीत करने के लिए। आइए अब आपको दिखाते हैं कि वार्ड के लोग कितने संतुष्ट हैं अपने जनप्रतिनिधि से और उनके द्वारा किए गए कार्य को लेकर क्या कुछ कहना है। क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार कौन से वार्ड में रहते हैं? वार्ड 45। वार्ड 45 मुजफ्फरपुर। शिवशंकर महतो। शिवशंकर जी काम करते हैं? बहुत अच्छे काम करते हैं। आवास मेरे लिए किए हैं, शौचालय दिए। जी, पैसा भी लिए क्या? जी, लिए नहीं, 50 पैसा ये नहीं लिए, पार्सल नहीं लिए, मतलब ऊपर से हम लोग को 50 मिला है और फिर मतलब एक मिलता है, उसके बाद फिर 50 मिलता है। नहीं, कोई मांग नहीं, मतलब पूरा साफ सुथरा, मतलब 1 रुपया। जी 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 2 लाख, 2 लाख मिला। क्या नाम आपका? सुरेश शाह। सुरेश जी, आपके वार्ड में जी सड़कों की क्या स्थिति है? छोटी छोटी जो गलियां, अच्छा स्थिति है। जब अगर थोड़ा बहुत कहीं पे कुत्ता भी मर जाता है, फ़ोन करते हैं तो ये अपना काम करवा देते हैं। अच्छा। हम लोग को परेशानी नहीं होना पड़ता, कोऑपरेट करते हैं। छोटी सा मिसाल दिए हैं, बाकी तो बाकी काम हमेशा चाहिए। हाँ, चाहिए, आगे भी चाहिए हमेशा। जी, अभी चुनाव नज़दीक है तो हाँ एकदम चाहिए। जी, ये बताइए वार्ड की समस्याओं को कितनी गंभीरता से देखते हैं? बहुत अच्छी तरह से, मतलब मैं शिव मोतो, मतलब मेरे वार्ड पार्षद हुए हैं, वो बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। छोटी छोटी गलियाँ, नाली, मतलब पानी का कोई दिक्कत नहीं है। शौचालय भी दिए, हमको भी मकान दिए। अभी पहला किस्त 50,000 का मिला है। अब तो आचार संहिता लागू हो गया, तो बोले नेता जी कि अब तो मतलब कि इसका बाद ही कुछ होगा। तो बहुत अच्छे हैं, मतलब मेरे वार्ड पार्षद के हर दुख सुख में साथ देते। किसी के बच्ची के शादी ब्याह होती है तो अपने पॉकेट के फर्स खर्च करके शादी ब्याह में लगा देते हैं। मतलब बहुत अच्छे हैं, मतलब हाँ बहुत बहुत बढ़िया किए हैं। मतलब कि हमको लम्बा चौड़ा वार्ड नंबर 45 है, अब पूरा यहाँ से लेकर कलकतिया का चल जाइएगा, बहुत अच्छे काम किए हैं। मतलब हमको ऐसा ही वार्ड पार्षद चाहिए। क्या नाम हुआ? राजू पासवान। कितना नंबर वार्ड है ये? 45। कौन है वार्ड पार्षद इसके? शिबू चौधरी। शिबू चौधरी मिलने ले आते वार्ड में? जी, कन्फर्म है? कन्फर्म है। सुने कि मकान में 20,000 रुपया अभी लेन देन हो रहा है? ज़्यादा कोई बात नहीं, आपसे कोई डिमांड नहीं हुआ है? कोई डिमांड नहीं हुआ है, बहुत ही के मकान मिला है। और लेटरिंग में? लेटरिंग में ही मिला है ना, पैसा वैसा कहाँ लिए कोई से? ये तो खुद पैसा देते हैं, किसी आदमी के गरीब है, कोई दवाई लेने आया दवाई दिवा देते हैं। अच्छा, या बहुत तरह के बात है। खुल के बोलिएगा। हाँ, कल योजना हो या पानी योजना हो या मकान का हो, खुल के बोलेंगे। फूट पैसा देता है, खुद अपने पल से ही पैसा देता है। हम लोग तो आते रहते हैं, आते हैं, देखते हैं, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। पार्षद तरह की दिक्कत नहीं, यही पार्षद चाहिए हम लोग। फिर दोबारा चाहिए आप लोग? हाँ, हम लोग इस बार फिर से वोट आप लोग करेंगे? हम लोग सर फिर से इसी सपोर्ट करेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम हुआ अभी आपका? सुरेश शाह। आप बोले थे क्या लोग आनंद बांग में? क्या नाम हुआ? श्रीचंद शर्मा। कितना नंबर वार्ड है ये? ये 45 है। कौन है वार्ड पार्षद इसके? ये शिवशंकर चौधरी है। शिवशंकर चौधरी कैसे व्यक्ति हैं? ठीक है सर। हाँ, काम करते हैं हम लोग के आनंद बाग में पूरा रोड सब ढला गया। हिचक बोलिएगा, डरने की बात नहीं। कोई डरने की बात नहीं सर, डरेंगे किससे? रोड है, नाला है, सब ढलाया है हम लोग को। इधर आनंद बाग आगे पड़ता हम लोग को लकड़ी ढाई से, और बहुत अच्छा काम किए हैं, बहुत आदमी के दुख सुख में साथ देते हैं। फिर इस बार आप लोग यही वार्ड पार्षद चाहिए? हम लोग तो यही वार्ड पार्षद चाहिए, एकदम खुल के। हाँ, एकदम खुल के। क्या नाम हुआ? बच्चन महतो। बच्चन महतो, कितना नंबर वार्ड है ये? 45। वार्ड पार्षद कौन है? शिबू। शिबू जी, शिबू जी आते हैं मिलने के लिए? हाँ, हम लोग का घर। और पानी उनी आता है? हाँ, पानी उनी सब चीज़ आते हैं। राशन उशन मिलता है? हाँ, राशन उशन सब मिलता है, समय पे मिल जाता है। हाँ, डीलर की तरफ से कोई दिक्कत होता है? ना ना, कोई दिक्कत नहीं, अरे सब ठीक ठाक है सब। हाँ, सब ठीक है।
तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए वार्ड नंबर 45 मुजफ्फरपुर से वर्तमान पार्षद शिवशंकर महतो, जिन्होंने बताया कि पहला कार्यकाल रहा उनका और 80% तक अपने वार्ड में विकास के कार्य किए हैं, नालों और सड़कों का निर्माण कराए हैं, आवास योजना भी काफ़ी हद तक उनके वार्ड में सही तरीके से कार्य कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे वार्ड में जो भी प्रमुख समस्याएं थी जब मैंने संभाला था, मैंने उसे दूर करने की कोशिश की है और आगे मौका मिलता है तो और भी जो अधूरे बचे हुए कार्य हैं उनको पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा। ऐसे तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क।